अभी हम आ गए हैं हमारी यूनिवर्सिटी। अभी हम यहाँ से सोनापुर जाएंगे, वहाँ पे हमारे नर्सिंग एंड गार्डनिंग का ट्रिप है। ये हमारा कॉलेज है मेडिकल। ये मेरी फ्रेंड अरमानी है। क्यों अरमानी, क्या हुआ था, शर्मा क्यों रहा है? धनिता शर्मा रहा है। तो अभी मैं अपने फ्रेंड्स को मिलाती हूँ। ये अरविंद है, इसका भी यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर देना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी। तो उसके बाद ये इधर देखो, ये पूर्णिमा है, प्यारी सी पूर्णिमा। अरमानी जो पहले शर्मा रही थी वो वाली है। उसका भी हमारी यूनिवर्सिटी फाउंटेन से पानी रुक गया अभी। इतना देर से हम रुक रहे हैं, अभी शायद बस आ गया तो हम चलते हैं। ये मेरी फ्रेंड है निरी। हेलो करो निरी। हाँ। अभी हम जा रहे हैं, ये हमारा यूनिवर्सिटी है। ये मेरे बापूजी की तीन बंदर। अब सब यहाँ पे असेंबल हो गए हैं, हम जाने वाला है तो हमारा बस उधर पे है, वो आ रहा है। मेरी फ्रेंड है, मैंने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया। नूनू हाय। हाय दर्शना है। अब ये सब चलते हुए हमारा बस वो लगी पड़ी है। अब यहाँ सबने अपना अपना सीट ले लिया है। उसके बाद फिर वो लड़की जो काउंट कर रही है कि कौन कौन आया है, उसके बाद ये अब हमारी बस चलना स्टार्ट हो गया। अब हम जा रहे हैं सोनापुर। फाइनली हम आ गए आखिरकार हमारी मंजिल पे, और ये मेरी फ्रेंड लगी पड़ी और हंस रही है कैसी देख। उसके बाद हमारी दूसरी बस यहाँ पे हमें उस साइड जाना है। तो अभी हम अपने मंजिल की ओर चलते हैं अंदर। यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग किस्म का आपको प्लांट देखने में, और जैसे कि ये वाला हो गया। यहाँ पे बाहर पे आप देख सकते हो कि कितना सुंदर प्लांट है, तो अंदर पे कितना सारा होगा। तो हम अंदर चल के देखते हैं, और जैसे आप ये देख सकते हो रास्ते पे बोगनविला है और बाकी प्लांट का नाम मुझे नहीं पता। तो हम अंदर चल के देखते हैं कि क्या क्या प्लांट मिलता है। ये ऑफिस है नर्सरी का, जस्ट ये गेट के पास ही है, तो आपको इतना दिक्कत नहीं होगा। आपको जस्ट अंदर से प्लांट लेके आना है और यहाँ पेमेंट करके आपको जाना है, बस सिंपल है। देखिए हमने कहा था कि हम नर्सरी जाएंगे तो हम यहाँ पे आ गए। तो आप देख ही सकते हो कि कितना सुंदर सुंदर फ्लावर है, कितना अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। ये पपाया है, उसके बाद ये चेरी का, यहाँ पे बहुत सारा फ्लावर्स है, तो मैं दिखाऊंगी अभी। यहाँ पे उन लोगों ने बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज किया है ये सब को, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एलोवेरा है, तो मतलब पूरा एलोवेरा। यहाँ पे ऑरेंज, सब जगह सब चीज अपने जगह पे बहुत अच्छे से। यहाँ पे तुलसी का पेड़, सब कुछ मिलेगा। तो आप अगर आपको फ्लावर में इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ से लेने आ सकते हो। रोजेस है, मैरी गोल्ड है, बहुत सारा फ्लावर है जिसका नाम नहीं जानती। इसका एक बेबी ऑरेंज ना, ओले ओले करो अरमानी। हाँ ये बेबी ऑरेंज, ओले ओले बेबी ऑरेंज। यहाँ पे बहुत सुंदर सा एक फ्लावर निकला हुआ है रोज का। हमने बहुत बाहर का प्लांट्स देख लिया, मतलब फ्लावर्स का, तो अब हम जाएंगे ग्रीन हाउस के अंदर। तो ये मेरी फ्रेंड्स अंदर जा रहे हैं, तो मैं भी अपनी बारी की वेट करती हूँ उनके पीछे। और जैसे आप देख सकते हो कि ये कितने अच्छे से बोगनविला को लगा, यहाँ पे बर्ड नेस्ट भी है। हम पे बैठते हैं घोंसला के ऊपर, बहुत सुंदर लगेगा एकदम। No, I don't wanna waste what's left.
कैसा बनाया? हाँ वही है। ये कौन सा फ्लावर था ना, इसका नाम क्या था? नहीं नहीं नहीं, इसका नाम मुझे याद था। ये बहुत अच्छे से किया इन लोगों ने। पोम-पोम। या पोम-पोम। नहीं, इसका नाम पोम-पोम नहीं है, कुछ और था, मुझे याद है। पोम-पोम। ये तो पोम-पोम है। तो कौन सा पोम-पोम है? ये तो डालिया फ्लावर्स हैं। ये क्या है? ये कौन सा फ्लावर है दादा? क्या? पिटोनिया। अच्छा, ये इतना छोटा वो भी पिटोनिया है। ये मतलब आप लोग ने छोटा छोटा पॉट में क्यों डाला हुआ है इसको? बहुत दूर से आता है ना। क्या बहुत दूर से आता है ना, मतलब कहाँ से आता है? इसको यहाँ पे ग्रो नहीं किया ना, यहाँ से यहाँ में नहीं उगाया ना इसको। हाँ हाँ ठीक है, धन्यवाद। मैं आगे चलके पूछती हूँ भाई। दादा मैं आगे देखती हूँ। यहाँ पे बहुत सारा है, ग्रीन हाउस है। यहाँ पे मेरे सारे फ्रेंड्स हैं। ये क्या है ये वाला जो दादा? ये क्या है? चल बिया। अच्छा हाँ, बहुत सुंदर है ये कैसे ऐसे छोटा छोटा पॉट में डालता है आप लोग ना? इसको कैसे ऐसे छोटा छोटा पॉट में डालते हैं आप लोग? हमको मालूम नहीं। हाँ ठीक है, मैं उसको पूछती हूँ। धन्यवाद। ये मेरी गोल्ड है ना? हाँ दादा, इसमें कैसे डालते हो छोटा छोटा? ये टूट नहीं जाएगा? इसने इसको आपने डाला है पूरा? वो आगे में डालता है ना? अच्छा, और ये वाला क्या है? ये कौन सा फ्लावर है? आप इसको क्यों ऐसे में पैक कर रहे हो? कहाँ पे लेकर जाओगे आप? शिलांग? और मतलब ऐसा करके आप ट्रांसपोर्ट करते हो ना, यहाँ से वहाँ से, यहाँ से वहाँ से, ऐसा करके ना? तो बड़ा वाला को नहीं ले जाते हो? पर ज्यादातर ऐसे छोटा वाला को ले जाते हो ना? ये नहीं टूट जाता है, खराब नहीं हो जाता है? ये जो ना, ये क्या था? मेरी गोल्ड है। हाँ, गेंदा पूरा। मुझे नहीं पता क्या बोलते। ओ, ये खराब हो गया ना, ये लोग खराब हो गया ना। अमन हाथों हाथों मुझे देखने दो। से तो लग जाएगा हाँ। इधर लाओ तेरा थोपड़ा दिखा, बाद में देख लेना। चल बता, तुम्हें यहाँ कैसा लगा? तू बता, तुझे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत कितना? बहुत लाइक 100 में 110% बिकॉज़ इट इज माय फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। अच्छा है, आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ऐसा न्यू चीज सीखने को मिल रहा है। मैं जाती हूँ आगे। ये क्या है? कौन सा है? रुको जरा, कौन सा कैक्टस से बोला? मून कैक्टस। मून? ऐसा अच्छे से केयर करना पड़ेगा ना नारी। यहाँ से पिंक कलर का फ्लावर निकलता बोला। और ये कौन सा फ्लावर प्लांट है? इसको पता है नारी? ये क्या है? पता नहीं यार। और ये वाला? वो आपको तो बहुत पता है, लिखा हुआ है। कहा? मैंने नहीं देखा, बाप रे। देखा ही नहीं। नारी तुम बताओ, अपना रिव्यू बताओ, कैसा लग रहा है आके? कितना अच्छा लग रहा है? बहुत बहुत बहुत। कितना केजी? केजी में हिसाब से बताओ, तो तोल के बताओ। केजी में तोल के नहीं बता सकते हो? बताओ ना प्लीज ना। चलो हम आगे चलते हैं, फिर बाहर में देखते हैं। ग्रीन हाउस है यहाँ पे।
अलग अलग वैरायटीज का कहता है रोजेस है। ये वाला बहुत सुंदर है, वाह ये तो अच्छे से बनाया है। देखो Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. ये अमन हीरो, अरे जिसको बहुत अच्छा लग रहा था वो ये वाला। अमन मास्क उतार के दिखा दो ना अपना हैंडसम वाला शक्ल का, दिखा ना ऐसा। फिर भी थोड़ा सा, एक मिनट तो, मैं तो बहुत दूर पे हूँ ना, मैं दिखाऊंगी। ठीक है, शर्म किस बात की ऐसा? हाँ छुपा छुपा, नजर ना लग जाए, पिंपल्स ना आ जाए। आएगा तो कोई नजर लगाएगा तो नहीं पता, शायद दाम बिका हो कहीं पे। हाँ ये बहुत अच्छा बनाया उन्होंने। कहाँ पे यूज करता है? ये फाउंटेन पे यूज करते हैं। ओह समझ गया। लोमी सॉइल इज द आइडियल टाइप ऑफ सॉइल फॉर गार्डनिंग, आई सेड राइट। दिस इज फॉर सीडलिंग पर्पस, फॉर जर्मिनेटिंग इजंट इट, जर्मिनेटिंग एंड मेकिंग द सीडलिंग अप टू दिस मच राइट। सो व्हेन यू लुक एट दिस दिस सॉइल यू कैन सी दैट देयर इज सॉइल इज देयर ओके, देन यू कैन सी दैट देयर आर सम कंपोस्ट ऑल्सो आर मिक्स्ड। What are these red things that which you can see here? Cocoa pit is what? Coconut ka jo wo fibers part jo hota hai na, usko crush karke this kind of mixture is very good for germination purpose. Okay, yes ma'am. Fine, they do dhunna pe close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Oh, your money plant. Yeah, there's a lot of plants. यहाँ पे बहुत किस्म का इंडोर प्लांट भी आप चाहे तो ले सकते हो। ये लोग बहुत अच्छा रहता है आपके लिए, हेल्थ के लिए। एक एक प्लांट होता है, मतलब बहुत सारा ऑक्सीजन देता है दिन भर रात भर, तो अगर ले सकते हो। मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा, लेकिन ये लोग बहुत अच्छा होता है। अगर आप अपने रूम पे रखोगे ना तो बहुत सुंदर लगे, गुड वाइब भी आएगा उसके बाद। ये सब बहुत सुंदर है, यहाँ से देख सकते हो उन लोगों ने कितना अच्छा से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, मतलब इतना सुंदर से। तो जैसे कि देखो ये एक ही प्लांट को एक लाइन में अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। सब सामान यहाँ पे उन्होंने शायद प्लांट करे होगा सुंदर से, इसको डिजाइन बना के। और ये टूल से यूज कर सकते हो पेस्टिसाइड से रखने के लिए ना, वो पानी देने के लिए।
जॉन बेचारा अकेला घूम रहा है, जॉन कहाँ अकेला घूम रही है। ये स्नेक प्लांट है, अगर आप इसको रूम पे रखोगे ना तो ये बहुत अच्छा होता है, 24 आवर्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, तो मतलब कि अगर आप इसको रखते हो तो बहुत ही बेनिफिट है और अच्छा भी और दिखेगा, तो फिर आपको ऑक्सीजन भी मिलेगा। ये जो पोली हाउसेस है बोला मैम का, अभी जी देखते हैं, पता नहीं मुझे इतना पता नहीं है नर्सरी के बारे में, तो अभी मैम बताएगा तो मैं पीछे पीछे जाऊंगी। पुर्णी है, पुर्णी कैसी है? ये पोली हाउस है, हाँ यहाँ पे क्या होता है देखते ही होगा। ओह यहाँ पे तो बहुत सारा सुंदर सुंदर फ्लावर्स है। यहाँ पे पूरा कैक्टस है, हाँ वो हाँ स्नेक जैसा है, ऑक्टोपस का जैसा है। इसका कितना दाम होगा? ये 16,000 का माल है, इसको कम मत देखो, एकदम मैं अच्छे से एकदम राउंड राउंड घुमा के दिखाती हूँ। 16,000 का माल का, ये इसे देख लो इसका। अच्छा ये उठा लिया एकदम। मिस्टर जॉन बताओ कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? पता नहीं पता नहीं। अब हम पोली हाउस से निकलते हुए आगे, उसमें पता नहीं अब क्या मिलेगा, देखते हैं। ये पोली हाउस है, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स मिलते हैं, जैसे कि आप एक बर्थडे को लास्ट टाइम। ये पोली हाउस का पहाड़ पे तो ऑरेंज है ना, मैंगो है ये, और मैंगो है, हाँ मैंगो है। क्या ही बोल रही हूँ, ये पोली हाउस, अभी हम जस्ट वहाँ से निकले थे, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं। यस मैम, सो दिस इज द प्लान फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू टेक, इट वाज कॉल्ड एज व्हाट, मदर प्लान, मदर टॉप, रिमेंबर मदर प्लान और रूट टॉप, एंड देन from this young after cutting seed, these are coming out na, these are the ones which we are going to use as Scion or Scion, S-C-I-O-N, right? So this we will use it for grafting to another plant. Understand? Yes, ma'am. That is why they are doing this. They are cutting down all this and letting it germinate. Can you see the cut over here? Yes, yes, ma'am. Kono grafting ka dukha dewo. मुझे दिख रहा। See, 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 see. The tap is still there. Layering. What were those different types of layering that we studied? Evaporated or layering. So layering is nothing but covering up with the that part which has been cut, and we will put some soil which will help for the that part to actually give rise to new leaves from there. That particular leaves can be used now for as a new seedling. Okay. Yes, so from this part, the new seedling will come out where the layering has been done. Okay. हाँ डाल के ज्वाइंट करके निकालना है, तो इसको लेयरिंग कहते हैं, और जो एकदम मतलब सिर्फ ज्वाइंट टेप मार के करते हैं उसको वो बोलते हैं क्या बोलते हैं, बोलते हैं और इसको लेयरिंग बोलते हैं, सॉइल डाल के, जो सॉइल डाल समझ गए हैं टॉपर का एक्सप्लेनेशन। और जो एक मतलब होता है वो सिंपल होता है, और जिसमें मतलब बहुत सारे प्लांट्स डालते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है। हाँ हाँ, और मैडम जी मेरी यहाँ पे वो लोग लेयरिंग और ग्राफ्टिंग करता है, जैसे अभी हमने दिखाया ना लेयरिंग, ये जो लेयरिंग है ये सिंपल लेयरिंग है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक एक सिर्फ डाला हमने, तो डबल लेयरिंग में ऐसा करके और साइड में और डालता है। यहाँ पे शायद डबल लेयरिंग का नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देती वो भी। अभी हमको अब वो क्या था करके दिखाएगा ग्राफ्टिंग करके, हम इसको देखेंगे ये ग्रीन हाउस के अंदर क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे लेयरिंग। तू मर जा, तू मर जा।
तू मर पहले जा, उसके टाइम बाद मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगी। अभी हम अरे दिखाई नहीं दे रहे। जॉन साफ वाफ होगा, काट देगा तो पता चलेगा। हम नहीं काट दे। वो काटने से फिर आप उसको काटो। ओके ठीक है जॉन। यहाँ तो इतना कुछ है नहीं। अब ये दादा हमें दिखाएगा कि ग्राफ्टिंग कैसा करते हैं। सो अच्छे से देखना और आप कभी दिन आप भी ट्राई करके देखना घर पे। लेकिन इसके लिए बहुत सारा टेक्निक होना पड़ता है कि आपको इसको बनाने के लिए। तो ये दादा से देख के और सीख लो। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try. हमने पूरा नर्सरी घूम लिया है, अब हम वापस जा रहे हैं। यहाँ से हम गुजरे थे पहले ये पॉली हाउस जो है, और यहाँ पे कुछ वर्कर्स लोग पानी दे रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है वहाँ पे बाकी लोग। यहाँ दिख यहाँ से हम आए थे यहाँ पे। मैम समझा रहा था ना वो वाला, मुझे आती है। ये जाओ ये पेड़ पौधा जाओ। बाप रे ये 6 लाख का पौधा है। फिर देखो ना पुर्णी, इसको कैसा उखाड़ के ले जाएगा फिर अगर आप खरीदने से बता ना। अगर बाई चांस कौन कोई खरीद लेता है तो कैसा उखाड़ेगा, कोई बता तो यार। अरमानी बता ना, इसको अगर मैं खरीदा तो फिर उखाड़ के कैसे ले जाएगा। टेम्पू में देगा तुझे। हाँ तो कैसे उखाड़ेगा उसको, अभी जमीन से जमीन काट के निकालेगा। काट के निकालेगा, बाप रे इतना महंगा प्लांट, इससे तो मैं घर बना रहा हूँ। चलो वही तो मतलब। यहाँ पे नर्सरी के साथ पोट भी है, अगर आप जो प्लांट खरीदते हो तो यहाँ से आप पोट भी ले सकते हो। बहुत सुंदर सा सुंदर पोट है, जैसे कि ये आप देख सकते हो ये वाला। उसके बाद और भी बहुत सारा है। अभी हम जाने वाले हैं, यहाँ से हम आए थे ये वहाँ से हम गए थे, फिर उसके बाद उस साइड गए थे। उस पर पूरा पॉली हाउस है, उस साइड पे है जो ग्राफ्टिंग हुआ था बडिंग, वो उस साइड पे है। फिर मेरा फ्रेंड्स लोग फोटो लेने पे लगा हुआ है। तो हमने अभी पूरा नर्सरी एक्सप्लोर कर लिया है, तो अभी हम वापस जा रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम लंच करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। अभी हम वापस जा रहे हैं। बस चल रही है, हवा बह रही है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, बस भी चल रही है। और मैं आगे सीट पे आ गया, पीछे पे सब है। तो अभी हम आरजू आ गए हैं। हमारा ट्रिप इतना तक ही था, तो हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो पे।